हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जी मैप कंट्रोल के ऊपर माउस मूव करने से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से लेवल्स पे शो करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने दो लेवल्स ले लिए हैं। एक का नाम मैंने लेवल लेट लेट रख लिया है। आई यू कैन सी द नेम इज लेवल लेट एंड अदर लेवल नेम इज लेवल लॉन्ग। सो अच्छा, हमें क्या करना है, व्हाट्स आवर ऑब्जेक्टिव इज, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे हम माउस मूव करें जी मैप कंट्रोल के ऊपर तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाए। सो अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा सोचें कि हमें माउस मूव के ऊपर काम करना है। सो भी हम क्लिक करेंगे जी मैप कंट्रोल वन के ऊपर, इसके इवेंट्स में जाएंगे और हम ढूंढेंगे माउस मूव का इवेंट। यस, वी हैव माउस मूव का इवेंट, देन डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल जनरेट अ इवेंट इन अकॉर्डिंग सेगमेंट। नाउ कॉपी पेस्टिंग द कोड हियर। अच्छा, ये डिले मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज क्योंकि माउस मूव करता है तो बहुत जल्दी मूव करता है, तो हमें जो है ना वैल्यूज विजिबल नहीं होगी इतनी ज्यादा। तो दैट्स व्हाई कि मैंने बोला है कि 10 बार मेरा माउस मूव होना तो तभी तब जाके ये जो है ये वैल्यूज शो करे। सही है, मैंने क्या किया हुआ है, माउस के एक्स और वाई लिया हुआ है, ठीक है, मैंने उसके प्लेन से, ठीक है, माउस क्लिक के इवेंट्स से, एंड देन मैंने क्या किया हुआ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डबल टाइप के डेटा टाइप किया हुआ, उसमें ट्रांसफर उसमें कन्वर्ट कराया हुआ है। अब वी नीड टू शो, हमें क्या कराना है कि हमें टेक्स्ट बॉक्स का अलोन टेक्स्ट बॉक्स यानी लेबल पे टेक्स्ट शो कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल को अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग में। सो इन दिस स्टेप आई कन्वर्टेड इन अ डबल वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग एंड देन वी आई असाइन लेबल लेट डॉट टेक्स्ट टू this variable. So run karte hain and dekhte hain what's the output. I'm moving the mouse over here and you can see clearly that values are changing. Here 25 and 67. Now I go to another region. For example, I go to this area. So you can see clearly it's changing. So I hope you guys you like it, and if you like it please subscribe, comment and subscribe to my channel. And if you have you are facing any problem with gmap control, you can contact me. I will drop my email address on the description box. Till then, bye bye.